नमस्ते, मैं विमल कुमार आप सबका फिर से वेलकम करते हैं। आज हम लोग पहुँचे हैं बक्सर के चरित्र वन में। बात ही कुछ ऐसी है कि जब बेटियाँ कुछ अच्छा करती है तो मन खुश होता है, चाहे वो जिले की बेटी हो, गांव की बेटी हो या फिर शहर की बेटी हो। हम आज बात कर रहे हैं श्वेतम सिन्हा की, जो बक्सर की रहने वाली है। कई बार हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है। यह बात सिर्फ गाँवों तक सीमित नहीं है, शहरों में भी ऐसा होते देखा गया है। लेकिन श्वेतम सिन्हा के पिताजी जो हैं वो लगातार श्वेतम को पढ़ाते रहे, और श्वेतम ने जब अपनी पढ़ाई शुरू करी तो कुछ सपने पाले होंगे, कुछ सपने देखे होंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन वो दिल्ली में जाएंगी और जहाँ पे ऑल इंडिया लेवल का IIT जैप एग्जाम देंगी और उसमें भी क्वालिफाई करेंगी। जी हाँ, मैं श्वेतम के बारे में बता रहा हूँ कि IIT एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसका नाम है IIT जैप, दैट इज़ फॉर द मास्टर डिग्रीज। तो उसमें श्वेतम सिन्हा ने 291 रैंक लाया है। आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि इस तरह का एग्जाम दिया जाना चाहिए? मेरा पहला मोटिवेशन इसलिए मिला, पहले जैसे मैंने अपनी BSc कंप्लीट करी तो मैंने वहाँ पे एक NPL है, दैट इज़ नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, तो मैंने वहाँ पे काम किया। सो आई गॉट टू नो कि लाइक रिसर्च एरिया क्या है, मेरा पहला एक्सपोजर वहीं पे मिला। देन आई प्लान्ड कि मुझे हाँ इस एग्ज़ाम को अपीयर करना है, मुझे हायर स्टडीज़ में जाना है, MSc, PhD एंड सो एंड सो, ऐसे एग्जाम्स वगैरह देके ही आप स्टेप इन कर सकते हो। तो मैंने पहले वहीं पे प्लान किया एंड इट वाज इन लेट जुलाई जब मैंने प्लान किया, एंड मैंने प्रिपरेशन तभी शुरू कर दी थी इन 2019। सो उसके बाद मैंने स्टडी मटेरियल्स वगैरह के हेल्प से अपनी प्रिपरेशन शुरू की एंड विद इन 6 months टाइम क्वालिफाई भी कर लिया। आप इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं, आप दिल्ली गई और वहाँ एग्जाम। मैं बात तब की करना चाहता हूँ जब आप बक्सर में रही और आप उस समय सोचती होंगी कि मैं कैम्ब्रिज में हूँ, फिर यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। और एक अच्छी बात है, कैम्ब्रिज में भी आपने टॉप किया था। हाँ जी। तो क्या बचपन में आपको लगा था कि आप दिल्ली जाएंगी फिर जाके इतना बड़ा एग्जाम देंगी और उसमें क्वालिफाई करेंगी? जी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू टाइप की चीज़ थी जब मुझे दिल्ली के लिए परमिशन मिली थी। एक्चुअली बहुत सारे केसेस वगैरह आते रहते हैं दिल्ली से, तो पेरेंट्स भी इतने कंफर्टेबल नहीं थे, उन्हें कन्विंस किया, फिर जाके मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला। बट देन ऐसा होता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को पूरा करते हो तो पेरेंट्स आपके ड्रीम्स को भी पूरा करते हैं। तो जब मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था और टॉप करा था तो पेरेंट्स ऑफकोर्स बहुत खुश थे, तो उन्होंने कभी बैरियर नहीं खड़ा किया मेरे कहीं पे भी जाने वाने के डिसीजन को। मैंने जब चाहा जो एग्ज़ाम चाहा दिया है, एंड जहाँ पे भी एडमिशन लेने को कहा है उन्होंने कभी पैसे, प्लेस, इन सब का बैरियर्स मेरे सामने नहीं रखा है। तो क्या लगता है आपको कि सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आई फील कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। मैंने अपने आसपास बहुत कम ऐसी लड़कियों को देखा है जो जानती हैं कि उनको अपने लाइफ का डिसीजन लेना चाहिए या उनको लेने का हक है। पेरेंट्स ये चीज़ जानने तक ही नहीं देते, वो अपने डिसीजंस बच्चों पे थोपते रहते हैं एंड बच्चे ये जान के कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने जो कहा वही सही है वो फॉलो करते रहते हैं, बट इसके बीच में उनका अपना ड्रीम्स जो है कहीं ना कहीं दब जाता है। इस मामले में आप अपने आप को कितना लकी मानती हैं? मैं बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ क्योंकि नॉट ओनली माई फादर बट माई मदर ऑल्सो, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। इनफैक्ट ये बता के मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं जिस भी जगह पे जो भी एग्ज़ाम दी हूँ वो सिर्फ मेरी मम्मी लेके गए हैं वहाँ तक। अच्छा। मुझे दिल्ली छोड़ने भी मम्मी गए, मतलब सब कुछ, एडमिशन्स, वहाँ रहना, PG वगैरह सब कुछ मम्मी ने करा है। आपने टॉप किया था कैम्ब्रिज स्कूल में, दैट टाइम हाउ डिड यू फील? इट वॉज ऑन द टॉप फीलिंग काइंड ऑफ लाइक, मैंने जब रिजल्ट देखा तब मैं लिटरली चिल्लाई थी, मतलब वो चिल्लाने टाइप की खुशी या तो तब हुई थी या तो अब हुई है। IIT एग्जाम का एग्जाम देने के बाद भी जब ऐसी रिजल्ट आया तो मैं चिल्लाने वाली खुशी होती है, मतलब यू फील बेटर कि हाँ आपने जो ठाना था, आपने अपने लिए जो डिसाइड करा था उस पर आपने फॉलो किया एंड वो आपका पूरा भी हुआ। जिस स्कूल में मैं पढ़ी उस स्कूल में मेरा भाई पढ़ा, जैसे ट्यूशन्स एंड फैसिलिटीज़ मुझे मिली वैसे ही मेरे भाई को मिली, तो देयर वाज नेवर अ थिंग लाइक कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का डिफरेंशिएशन, एंड उसकी वजह से ही ऐसा है कि हमने कभी अपने सपनों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया एंड वी आर गिविंग देम बैक, लाइक हम उन्हें कर रहे हैं उनके सपनों को। उनको भी खुशी होती है जब 100 लोग उनको आगे कंग्रेचुलेट करते हैं किसी रीज़न से, तो That give them their happiness, their part of happiness, जिसके लिए उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है और अपना Finally, what's your dream? What you have to do in your life? I'm always a person who takes one step at a time. तो अभी के लिए ये है कि MSc में फोड़ देना है, मतलब जहाँ पे भी जाऊँ MSc अच्छे से करनी है। बट देन हायर स्टडीज़ का ही है, लाइक PhD करनी है विद फ्रॉम फॉरेन या फिर IIC बैंगलोर जैसी जगहों से, फिर MSc के बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जैसे बार्क,
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो मुझे वो उन सब चीज़ों को भी टारगेट करना है, क्योंकि इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आई लाइक टू हैव अ जॉब फर्स्ट आफ्टर एमएससी. तो मैं बार्क वगैरह के एग्जाम्स दूंगी, IUAC है जो दिल्ली में है, उनके एग्जाम्स के लिए बैठूंगी. यू आर फ्रॉम बक्सर एंड यू नो द कंडीशन ऑफ बक्सर इन एजुकेशन फील्ड, फ्रॉम वेयर यू गॉट द मोटिवेशन दैट एंड यू शुड थिंक अबाउट द हाई लेवल ड्रीम? सो आई लाइक टू टेल यू एवरीथिंग लाइक फ्रॉम द स्क्रैच. जब मैंने 10th का एग्जाम दिया था, मैंने तब भी अपने स्कूल में टॉप किया था, मतलब 10 से GPA 10 out of 10. सो उसके बाद बक्सर की सिचुएशन देख के, साइंस स्ट्रीम वॉज नॉट दैट गुड, मेरे से पिछले ईयर का जो टॉपर था शी गॉट 84%. लाइक स्टैटिस्टिक्स से मुझे आई गॉट 92.4%. तो मतलब मेरे को ऐसा था कि 84% इज नॉट गुड इनाफ. तो मैंने सबसे पहले तो गिव अप ही कर दिया था कि साइंस स्ट्रीम पता नहीं यहाँ पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा. बट देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस फैबुलस कोचिंग नेम मोटिवेशन. हमने वहाँ से कोचिंग लिया, तो फर्स्ट मोटिवेशन कम फ्रॉम देयर. लाइक पहले जो टीचर्स हमें मिले वो बहुत बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे. कैंपस डिड इट्स पार्ट वेरी वेल, उसका भी रोल बहुत अच्छा था मेरी लाइफ में. तो फर्स्ट लाइट वहीं से मिली, 12th अच्छा हुआ, एंड देन उसके बाद ड्रीम्स बढ़ते गए, मतलब वो कभी बीच में नहीं रुके. दैट्स इट. What message would you like to give those girls who are struggling in their field and from the Buxar and other cities? I'd like to say कि आज बहुत ही कम ऐसे, मतलब बक्सर में ही अगर बात करें तो बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास फोन्स नहीं होंगे. बिल्कुल. राइट. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट फॉर चैटिंग और समथिंग, आप फोन का यूजफुल यूज करो. वट आई मीन इज़ कि आज यूट्यूब पे इतने हज़ारों चैनल्स हैं, खुद IITs एंड IISCs एक NPTEL नाम का लेक्चर डालते हैं अपने यूट्यूब पे, पूरा सीरीज़ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो. अगर आपको, अगर आप में जील है तो आपको रिसोर्सेज की कभी कोई कमी नहीं होगी, चाहे आप विलेज में हो. एग्जैक्टली. मतलब आई हैव सीन पीपल जिन्होंने बिहार बोर्ड से करके भी बाद में बहुत अपने आप को डेवलप किया है, बहुत कुछ ग्रैब किया है, बट आप में बस जील होनी चाहिए. और जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए पेरेंट्स से लड़ते हो, अपने स्टडीज़ के लिए भी लड़ो. मे भी उन्हें पता नहीं होगी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट आप उन्हें रियलाइज़ करा सकते हो कि इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपके हिसाब से कितना मायने रखता है इकोनॉमिकल कंडीशन, हायर लेवल अचीव? इकोनॉमिकल कंडीशन नो डाउट बहुत मैटर करती है. अगर देखा जाए तो बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो कभी बाहर ही नहीं आ पाते क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन ही इतनी अच्छी नहीं होती है. बट देन यू हैव टू मेक अ चॉइस, या तो आप अभी के फिनेंशियल कंडीशन में हमेशा तक रहने चूज कर लो, या फिर थोड़ा सा स्ट्रगल करो उससे बाहर निकलो. लाइक करना पड़ता है, अगर आप डिसाइड नहीं कर सकते. सी मेरे को भी बहुत परेशान करता है ये चीज़ फिनेंशियल वाला. श्वेतम, हम लोग देखते हैं कि जब कोई लोग छोटे शहर से जाते हैं बड़े शहर में तो वो डाइवर्ट हो जाते हैं. आपके हिसाब से वो लोग जो छोटे शहरों से या फिर गांव से बड़े शहर में जा रहे हैं तो उन्हें किन बातों का ख्याल करना चाहिए ताकि वो अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर सकें? फर्स्टली मैं खुद बोलूँगी कि आई हैव बीन विटनेस टू मेनी सच स्टूडेंट्स जो बाहर निकलते हैं, सॉरी, बट देन डाइवर्ट हो जाते हैं. डाइवर्ट इन द सेंस कि वो ड्रीम्स कुछ और लेके आए होते हैं, बट देन उसको परस्यू करने की ज़रूरत भी नहीं समझते. तो इस केस में मैं ये बोलना चाहूँगी कि लुक बैक एट योर बैकग्राउंड. आप देखो अपने साथ कि आप कहाँ से उठ के कहाँ तक आए हो एंड आपको कहाँ तक पहुँचना है. लुक बैक एट योर पेरेंट्स कि वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं आपके लिए. और देन आप फन लाइफ में कभी भी कर सकते हो. यू कैन पार्टी, अगर आप अपने सक्सेस की पार्टी करोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगी रादर देन जस्ट बर्थडे पार्टीज और एनीथिंग एल्स. ज़्यादातर बच्चों को हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया, तो वो लोग सोचना शुरू कर देते हैं फॉर द बैंक एग्जाम के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए, SSC के लिए, मतलब छोटे एग्जाम के लिए वो करते हैं. आपने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, सीधे मास्टर डिग्रीज और हायर स्टडीज पर ध्यान देना शुरू कर दी, क्या वजह है इसके पीछे? फर्स्टली ये IIT वॉज माई ड्रीम एवर सिंस आई पास 12th. मेरे को IIT में ही जाना था, बट देन फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स थे जिसकी वजह से मैंने प्रिपेयर तक नहीं कर पाई मैं JEE के लिए. बट देन आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे को मौका मिला कि मैं अपना ड्रीम वापस से परस्यू कर सकती हूँ और IIT जैसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में पढ़ सकती हूँ. सो प्योर साइंसेज, मैंने देखा है कि बैंकिंग SSCs वगैरह में बच्चे काफ़ी जाते हैं, बट देन प्योर साइंसेज बहुत अनटच्ड सा है. लाइक इस सेक्शन में गर्ल्स तो छोड़ो, बॉयज़ तक भी एंटर नहीं करना चाहते. दे डू इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरेट एंड दे फिनिश ऑफ विद देयर जॉब्स. बट प्योर साइंसेज में अब लोग जैसे ही
ले रहे हैं इंटरेस्ट, वैसे ही उसमें करियर ऑप्शंस बहुत सारे बढ़ चुके हैं. आप रिसर्च में जाओ, आप प्रोफेसरशिप में जाओ, यू विल हैव अ लिक्रेटिव करियर अहेड. मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग है ऑल्दो, बट देन आपके पास करियर बहुत अच्छा आएगा. लाइक थोड़ा टाइम के बाद आएगा, बट देन बहुत अच्छा आएगा. यू विल मेक अ डिफरेंस. अगर आप एक प्रोफेसर हो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, तो आप बाकी और भी बच्चों की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल पाओगे. आई डोंट थिंक कि वो बैंक के 4x4 के केबिन में आप वो उतना कर पाओगे उतने अच्छे से. बट देन ये पर्सनल चॉइस भी है. अगर किसी को वही चाहिए है, वो वहीं पे सेटल होना चाहता है, रिस्क नहीं लेना चाहता, तो देन इट्स आल्सो फाइन. अगर आपके लाइफ में वही ड्रीम्स हैं तो गो गेट इट. आपने रिस्क लिया. एग्जैक्टली. चलिए, तो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे श्वेतम से, और श्वेतम ने साफ ही कहा कि आप कहाँ से आते हैं, आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, दैट डजंट मैटर. तो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे श्वेतम से, और श्वेतम ने साफ ही कहा कि आप कहाँ से आते हैं, आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, दैट डजंट मैटर. मैटर इज़ दैट व्हाट ड्रीम यू हैव, हाउ यू थिंक, दैट मैटर्स. और बिल्कुल, अगर आप कहीं से भी हैं, आपको किसी तरह की कंडीशन, किसी तरह के आपके हालात हैं, अगर आप के अंदर शुरू से ही कुछ करने का ड्रीम है, कुछ जज्बा है, कुछ जुनून है, तो आप बेहतर करेंगे. जिस तरीके से इन्होंने किया, स्कूल टॉप किया, उसके बाद दिल्ली गई, और उसके बाद इन्होंने IIT जैम एग्जाम क्वालिफाई किया, 291 रैंक आया है, और हम इनको आज ब्लेस करते हैं कि आगे अच्छा करें. आज के लिए इतना है. थैंक यू सर. हम सेट कर लेंगे, हो गया. अब कुछ बोलना वाला है तो आप लोग बता दीजिए, उसको बंद करिए, थोड़ा सा क्लोजर बैठ लीजिए. ठीक है, अच्छा ये दो क्वेश्चन क्या करेंगे, को पढ़ना. ठीक है, अच्छा हुआ. चलिए सब लाइव, अरे चलो वो कट जाएगा, लाइव नहीं है.